नारी का सशक्त होना ही समृद्धि का मार्ग है और सशक्त महिला ही समाज को सशक्त बना सकती है। मैडम, मैं स्वाधीनता सेनानी लोगों के बारे में कहना चाहता हूँ जो कैसे नारी समाज स्वाधीनता सेनानी में भाग लिए थे। उसमें उड़ीसा से थे रमा देवी, सारला देवी और मालती देवी। रमा देवी के गर्भ में बच्चा पल रहा था और वो तब भाग लिए थे सत्याग्रह आंदोलन में और ब्रिटिश सरकार उनको मार मार के जेल में घुसाया था। उस दिन कुछ दिन के बाद वो जेल में एक पुत्र सरतान को जन्म दी थी। उड़ीसा के नारी कितने मजबूत है आप खुद ही सोच सकते हैं। बीजू पटनायक जब पहली बार 1960 में उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने, वो एक ऐसे नारी को लाए जो स्टूडेंट करियर में अपना धाप दिखा चुकी थी, जो आंदोलन से आई थी, लाके उसको राज्यसभा भेजे 1962 में। अगले 10 साल के बाद वो उड़ीसा की मुख्यमंत्री के रूप में वो आई, वो होती है श्रीमती नंदिनी शतपथी। मैडम, बीजू पटनायक जब 33% रिजर्वेशन पंचायत राज सिस्टम में किए तो आप लोगों को जान के हैरानी होगा कि 5 ट्राइबल वुमेन, जो महिला पढ़े लिखने नहीं जानते अंगूठा लगाते हैं, उनको एडवाइजर के रूप में बीजू पटना एडवाइजर के रूप में अपॉइंट किए थे और उन लोग बीजू पटनायक जैसे चीफ मिनिस्टर को एडवाइज करते थे और उड़ीसा सरकार चलता था 90 दशक में। बीजू बाबू ट्राइबल लोगों के लिए जितना काम किए हैं, महिला लोगों के लिए जितना काम किए हैं, शायद ही कोई नेता किया होगा। महिला लोगों के लिए सरकारी नौकरी में भी 30% का रिजर्वेशन बीजू बाबू दिए। 5% एक्स्ट्रा उनको बढ़ाए, 35 साल का उम्र था और 5 साल एक्स्ट्रा बढ़ाया गया उनके नौकरी के लिए। दूसरी बात, जब बीजू बाबू रिजर्वेशन किए तो 28,000 महिला पंचायत में और जिला परिषद में पंचायत समिति में चुन के आए। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आने के बाद बीजू बाबू का अधूरा काम को पूरा करने के लिए आगे बढ़े और वो 33% जो था 33% उसको 50% में कन्वर्ट करे। एक मिनट मैडम, 50% रिजर्वेशन करे नवीन पटनायक। और 2018 में जब सर्वसम्मति से उड़ीसा असेंबली में पास हुआ महिला आरक्षण बिल का, उसके बाद से आज तक नवीन बाबू ना जाने कितना मेहनत किए हैं, अपना डेलीगेशंस भेजे हैं, हर राज्य के मुख्यमंत्री के पास डेलीगेशन भेजे हैं, सबको रिक्वेस्ट किया गया है, सब पार्टियों को रिक्वेस्ट किया गया है कि महिला बिल को आप लोग समर्थन कीजिए। हाथ जोड़ के हमारे डेलीगेशन वाले हर पार्टी हर मुख्यमंत्री के पास गए थे, जिसका नतीजा आज आ रहा है मैडम। इसीलिए मैं केंद्र सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ, मेरे उड़ीसा के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूँ कि उनके मेहनत आज रंग लाया है और माँ बहनों को रिजर्वेशन मिलेगा, ये उम्मीद मैं करता हूँ। उसके साथ साथ एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, रिजर्वेशन क्या होगा मुझे तो पता नहीं, आगे चल के उम्मीद करता हूँ हो जाएगा क्योंकि मैं उसका समर्थन करता हूँ। माइनॉरिटीज के लिए भी कुछ किया जाए, केंद्र सरकार के माननीय मंत्रीगण यहाँ बैठे हैं, माइनॉरिटीज बहनों के लिए कुछ किया जाए, उन लोग का भी हक है, उन लोग का भी भागीदारी होना चाहिए। अगर संशोधन करना है तो संशोधन कीजिए, कानून में संशोधन कीजिए, संविधान में संशोधन कीजिए, लेकिन माइनॉरिटी बहनों को कुछ स्कोप दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, वंदे उत्कल जननी।